मैं खुशी और आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। इस माहौल में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। हमारे सामने ये मामला आ रहा है जहाँ पर एक लड़के ने इस माहौल में एक डीएम को कॉल किया और मंगवाए समोसे घर पे, और उस दौरान डीएम ने उससे नाली साफ करवाई है। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, कहां से आ रहा है, उसके ऊपर नजर डालेंगे। मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। उत्तर प्रदेश के रामपुरा से हमारे सामने ये मामला आ रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, और उस दौरान ही काफी सारे पुलिस वाले हाथ जोड़ रहे हैं लोगों के सामने, बोल रहे हैं कि लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें। और यहाँ तक कि लोगों को पुलिस वालों ने यहाँ तक भी बोला है कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने घर के अंदर रहिए, आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल कीजिए और कॉल करने के बाद हम आप तक वो सामान पहुंचाएंगे जो कि जरूरत का सामान है आपके लिए। अभी इस कदर में, इस समय में कुछ ऐसे लोग है जो कि इसका उल्लंघन तो कर रहे हैं पर उसी के साथ साथ पुलिस का मजाक भी उड़ा रहे हैं। और एक युवक ने रात को कॉल किया डीएम के फोन किया हेल्पलाइन नंबर पे और बोला कि मुझे 4 समोसे चाहिए मेरे घर पे। और उस दौरान पहले पुलिस वालों ने इस लड़के की ये शैतानी समझ के उसको मना कर दिया कि ये सब चीजें नहीं मिलेगी, और फिर भी वो जिद करने लगे। इतना ज्यादा उसने जिद की कि उन लोगों को वो समोसे लेके जाने ही पड़े वहां पर। और वो पहुंचे, डीएम पहुंचे अपने कर्मचारियों के साथ, और वहां पर जाने के बाद समोसे तो दिए पर उस दौरान ही उस युवक को सजा भी दी कि कल को उसको याद रहे कि ये सब चीजें करने के बाद क्या सब चीजें होंगी, और उसे नाली तक साफ करवाई और नाली रगड़ रगड़ के साफ करवाई कि उसको पता चल गया कि ये जो उसकी शैतानी थी पुलिस वालों को तंग करने की, ये काफी ज्यादा महंगी पड़ गई है। और वहां की डीएम ने खुद इसको ट्वीट करके सब चीजें लोगों को बताया है और उन लोगों से अपील की है कि ऐसा सब चीजें वो ना करें। आपकी सुरक्षा के लिए, आपके सेवा के लिए हमने ये हेल्पलाइन नंबर दिया है जो कि आप तक हम लोग कोई भी प्रॉब्लम हो तो जल्द से जल्द पहुंच पाए, इसका उल्लंघन ना करें, इसकी ऐसी सब चीजें ना करें जो कि हम लोगों को गुस्सा दिलाए और हम लोग या हम में से कोई भी ऐसे लोग होते जो कि आपकी सेवा के लिए ना आ पाए। तो आई होप गाइस आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। तो डीएम ने जो सब चीजें इस युवक के साथ की है तो आपको सुन के कैसा लगा? क्या यही सब चीजें सही थी उसके साथ करनी, इस युवक के साथ, या इससे भी ज्यादा करनी थी, या ये भी ना करते? आपका क्या है अभी माइंड में तो बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।